सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। टीम इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विवादों में घिरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का समर्थन करते हुए कहा है, दुनिया सिर्फ आपको रुलाना चाहती है, एक बार आप रो दिए तो वे संतुष्ट हो जाएंगे और इसके बाद खुश रहेंगे। अश्विन ने उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर इस गेंद से छेड़छाड़ वाले मुद्दे को भूलकर आगे बढ़ेंगे। अश्विन ने ट्वीट किया, दुनिया सिर्फ आपको रोते हुए देखना चाहती है, एक बार आप रो दिए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं और फिर खुश रहते हैं। हमदर्दी केवल शब्द ही नहीं, अब भी लोगों में यह सहानुभूति है। भगवान स्टीव स्मिथ और बेन क्राफ्ट को इससे बाहर निकलने की ताकत दे। उन्होंने ट्वीट किया, और डेविड वार्नर को भी इससे बाहर निकलने के लिए ताकत की जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं कि उनका खिलाड़ी संघ उन्हें यह समर्थन मुहैया कराएगा। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला लेते हुए स्मिथ और वार्नर को 12-12 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया है, जबकि बेन क्राफ्ट पर 9 महीने का ही बैन लगाया गया है। इस सुनवाई में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोच डैरन लहमैन को क्लीन चिट दे दी गई है। इस सजा के ऐलान के बाद स्मिथ, वार्नर और बेन क्राफ्ट दोनों बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश लौट आए, जहां पर आकर स्मिथ और बेन क्राफ्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव फूट फूट कर रोने लगे और क्रिकेट फैंस से माफी भी मांगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इसे शेयर करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।